वैसे निहाल, हमजा ने सही फैसला किया है। सना जैसे लोग ना अपने साथ साथ ना दूसरों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। वैसे ये सब कुछ किसी और तरीके से भी हैंडल किया जा सकता है, नॉट लाइक दिस। खैर से पहिया पहिया वॉक हो रही है। अच्छी बात है, करनी चाहिए वॉक, वरना ऐसे पड़े पड़े तो उर्जे पुर्जे सब जाम हो जाते। बू, मैं सोच रही थी कि मामा को लॉन में ले जाया करूं वॉक के लिए, हम जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? जरूर जाओ, बस लॉन में बंधे हुए जंगली कुत्तों से अगर जान बच जाए तो वॉक भी कर लेना। रानिया, क्या वाकई सना और हमजा की तलाक हो गई है? सुना तो यही है अम्मी, अगर समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। चाची, आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। मुझे रानिया बहुत अच्छी लगती, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। आपको कोई एतराज? थैंक यू। उन दोनों ने तो भाग कर शादी की थी ना? मुझे सब समझ में आ रहा। बेटे, जैसे हर अमल का एक रद्दे अमल होता है ना, वैसे एक मकाफाते अमल भी होता। देख ली जाओ, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। इसका मतलब है अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। अल्लाह सबकी सुनता है बेटा। लेकिन किसी की बर्बादी पे खुश होना भी कोई अच्छी बात नहीं। अल्लाह को ये बात सख्त ना पसंद है। हमसे ज्यादा बर्बाद और कोई क्या होगा? हमारी बेबसी तो ऐसे लोगों को हंसाती है ना। नहीं बेटा, दुखी मत हो,
सुनाए खामोश आंसुओं की फरियाद सीधी अर्श तक जाती है। जब मैं सारी दुनिया को चीख चीख के तुम्हारी असलियत बताऊंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम हो क्या। क्या है मेरी असलियत बताओ, क्या है मेरी असलियत? धोखेबाज। मोहब्बत किसी और से और शादी किसी और से। और शादी के बाद भी अपनी पहली मोहब्बत को अपने पीछे लगा के रखा तुमने। इसी मोहब्बत की वजह से वो मेरा नहीं हो सका, सिर्फ तुम्हारा रहा, तुम्हारे पीछे रहा। घटिया औरत हो। मगर मामा मुझे बहुत डर लग रहा है, अब तो सना मजीद पागलपन का शिकार हो जाएगी। पागलपन तो सना के खून में शामिल है। बिल्कुल अपनी मां जैसी। मकार, साजिशी और दानिश। वो उससे भी चाह रहा था कि देख लिया ना अपनी मनमानी का अंजाम। इसी दिन के लिए घर से भागी थी तुम, पूरे घर के सामने तुम्हारे मुंह पर तलाक मार कर गया है वो।